ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमसंग के मोबाइल के बारे में जिसका नाम है सैमसंग जेड फ्लिप। मोबाइल के नाम से जो है सैमसंग ने अभी अभी जो है एक मोबाइल निकाला है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा उसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसा मोबाइल है, क्या हमें ये मोबाइल इतने पैसे लगाकर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी द टेक लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सैमसंग ने जो है इस बार बहुत ही कुछ न्यू ला के जो है मार्केट में रख दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं कि सैमसंग ने आखिरकार किया कि। तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा फील होता था कि 2020 में जो है सैमसंग बहुत ही कुछ न्यू लेके आएगा जो है मार्केट में, लेकिन जो है सैमसंग ने 2020 में ये साबित कर दिया है कि वो जो है काफ़ी ऐसे स्मार्टफोन है जो न्यू जो है मार्केट में लेके आ रहा है। फोल्डिंग मोबाइल जो है सैमसंग ने लॉन्च कर दिया और जो है फोल्डिंग मोबाइल जो है अभी कुछ ही जो है मंथ के बाद ये हमें मार्केट में देखने में नज़र आएगा। दोस्तों अभी जो है कुछ ही दिन पहले जो है सैमसंग ने एक मोबाइल लॉन्च किया था जिसका नाम था S20, तो वो भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है मेरी देखने में नज़र में, जो बहुत ही कमाल का जो है स्मार्टफोन है जो हमें सैमसंग ने इसी दिन दिया है। प्राइस कुछ ज़्यादा है लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल को देखा जाए तो उसकी जो प्राइस है वो नॉर्मल है। पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सैमसंग S68 आया था, अब उसकी जो स्क्रीन थी वो कर्व थी, कैसे कर्व थी, अब ये मोबाइल है वो नीचे की तरफ थी। तो उसके बाद सैमसंग S7, S8, S9 और S10 तक जो है सैमसंग ने कर्व वाली स्क्रीन बनाई। फिर आखिरकार थोड़े दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद उनको पता चला कि ये जो कर्व स्क्रीन है ये जो है जो यूज़र हैं उनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। अब कैसे प्रॉब्लम दे रही है कि जब भी वो टाइपिंग वगैरह करते थे तो टाइप करते वक्त बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा जो है दबाव हो जाता था, इस वजह से जो है सैमसंग ने इस पर भी फोकस किया और ये जो चीज़ें ये भी जो ख़त्म की है। 8G स्क्रीन है कर्व, वो आपको आगे चल के जो है सैमसंग मोबाइल में आप लोगों को नहीं देखने में आएगी। दोस्तों आज से पहले जब लोग स्टैंडर्ड की बात करते थे या स्टैंडर्ड को देख के मोबाइल लेते थे तो उनों की नज़रों में आईफोन ही आता था, क्योंकि आईफोन एक ऐसी चीज़ है अगर आप किसी के पास भी देखते हैं जो है आईफोन मोबाइल तो आपका दिमाग उसी टाइम चला जाता है कि यार ये जो बंदा है ये अमीर है या पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, कुछ इस टाइप से आपके जो है व्यूज चले जाते हैं। लेकिन सैमसंग ने इसकी टक्कर पे जो है फोल्डिंग मोबाइल बनाया, क्योंकि अब आईफोन तो ज़्यादातर इतने लोग बाय कर चुके हैं कि हर बंदा जो है आईफोन यूज़र हो गया है। तो अभी सैमसंग ने कुछ चीज़ हट के बनाई है, हट के कैसे बनाई है कि उन्होंने एक तो फोल्डिंग मोबाइल बना दिया, फोल्डिंग मोबाइल बनाया है तो उसमें लोगों को एक नई चीज़ जो है देखने में नज़र आई है। अब ज़्यादातर जो है लोग जो है आईफोन को छोड़ के ये जो मोबाइल है सैमसंग फोल्ड मोबाइल है जितने भी फोल्डिंग मोबाइल आ रहे हैं लोग उनको बाय करना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों जब भी कोई भी मोबाइल जो है पहले कुछ टाइम पहले 2019 की बात है मोटोरोला ने एक मोबाइल लॉन्च किया था जिसका नाम मुझे अभी जो है याद नहीं है, लेकिन वो मोबाइल जो था वो जो है फोल्डिंग मोबाइल था, सेम जो है सैमसंग की तरह का था, लेकिन उन्होंने जो स्क्रीन यूज़ की थी वो प्लास्कट की स्क्रीन यूज़ की थी उस मोबाइल में। लेकिन जो है सैमसंग ने इस बार ऐसा नहीं किया, हमें एक न्यू जो है चीज़ देखने में आई है कि सैमसंग वालों ने गिलास को जो है मोड़ के दिखा दिया, हमें गिलास को जो है उन्होंने मोड़ के दिखाया और जो सैमसंग में अभी मोबाइल लगी मोबाइल में स्क्रीन लगी है सैमसंग गैलेक्सी जेड जिप मोबाइल में जो है स्क्रीन लगी है वो स्क्रीन जो है वो एक शीशे की एक गिलास की स्क्रीन है। तो अभी जो है हमें नेक्स्ट चल के भी सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन देखने में आएंगे बहुत ही अच्छे देखने में नज़र आएंगे। अब इसकी बात करते हैं इसकी जो डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन में कि हमें इसकी बैटरी कितनी मिलती है और कैमरा जो है हमें इसका कैसे मिलता है। दोस्तों इस मोबाइल को सस्ता करने के चक्कर में जो है सैमसंग ने इसमें जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो बहुत ही जो है मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि जो है कम रखी है। अब आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, 12 का जो हमें बैक कैमरा देखने में नज़र आता है, उसके साइड पे आप लोगों को एक छोटी स्क्रीन देखने में नज़र आती है, बहुत ही कमाल की स्क्रीन है, उस पर आप टाइम वगैरह या सेल्फी भी एमरजेंसी में अगर आपने खींचनी हो तो आप उस पर खींच सकते। और दोस्तों हमें सैमसंग ने जो है 15W की जो है चार्जिंग की टेक्नोलॉजी हमें दी है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर मोबाइल को सस्ता करना है तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल पहले भी एक सैमसंग ने मोबाइल लॉन्च किया था सैमसंग फोल्ड, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आई थिंक नाम था वही उसका, तो अब उस मोबाइल की कीमत उन्होंने रखी थी 2 लाख। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी की जाए बात तो यहाँ पे हमें 3300 बैटरी हमें मिलती है, 3300 mAh की बैटरी मिलती है। अब जाहिर सी बात है इतनी छोटी इसलिए मिलती है क्योंकि मोबाइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इस वजह से उन्होंने जो बैटरी है वो छोटी रख दी है। और दोस्तों जब वो पहले मोबाइल एक आया था सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया था मोबाइल, तो उसकी जो यूनिट है वो टोटल 5 लाख बिके थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये जो अभी स्मार्टफोन आया है
सैमसंग गैलेक्सी जेड जिप फोन जो आया है, ये जो मोबाइल है आई थिंक 1 मिलियन जो है करेगा, ये 1 मिलियन इसके यूनिट बिकेंगे, क्योंकि इस मोबाइल ही ऐसा है, इसमें अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन में दी गई हैं और जो इसकी प्राइस है वो भी नॉर्मल ही रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो बताया, और बहुत ही जो है कमाल का मोबाइल है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप बाकी भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मोबाइल कैसा है और हमें क्या ये बाय करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी ही नाले मिली होगी, अगर आप लोगों को वीडियो से नाले मिली हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं, और अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ और जो एप्स रिव्यू टेक्नोलॉजी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो अभी तक टेक लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, पाकिस्तान जिंदाबाद।